हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका अनुराग जायसवाल स्वागत करता हूं अपने चैनल के सी एल ट्यूटोरियल पे। आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो आज तारीख है 22 मार्च 2020, और आज के दिन वो कर्फ्यू है, जनता कर्फ्यू, जिसके लिए आह्वान पीएम मोदी जी ने किया है। आई होप आप सब लोग घर पर ही होंगे आज के पूरे दिन, और मैं फ़िलहाल अपने हॉस्पिटल में हूँ अपने पेशेंट्स के बीच, क्योंकि ड्यूटी पहले छुट्टी बाद में। तो संडे का दिन है लेकिन मैं ड्यूटी पर हूँ, और थोड़ा सा समय निकाल कर, क्योंकि आपका सिलेबस ही पूरा करना है, तो मैं थोड़ा सा समय निकाल करके आपके लिए एक वीडियो भी शूट करने जा रहा हूँ। आज की क्लास में बेसिकली हम लोग जो हमारा सब्जेक्ट है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी HECP का Chapter-1 और Chapter-2 हमने ऑलरेडी इससे पहले अपलोड कर दिया था। आज की क्लास में हम Chapter-3 अपलोड करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड मतलब होता है फ्रेंड प्राथमिक उपचार। देखिए, प्राथमिक उपचार सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है, आपको समझना भी है, ताकि आप फार्मासिस्ट बनने वाले हैं या बन जाएंगे कुछ दिनों में, तो आपके आसपास अगर कोई भी आप ऐसे कंडीशन देखते हैं या फिर कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है, तो आप उसको डॉक्टर से पास ले जाने से पहले, उसका ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले, जो भी आप उपचार कर रहे हैं यानी उसके जीवन को बचाने के लिए जो भी आप प्रयत्न कर रहे हैं, ये फर्स्ट एड है। तो इस क्लास में कुछ जो हम लोग के सिलेबस में बेसिकली शॉक है, बर्न है, स्नेक बाइट है ना, फ्रैक्चर है, तो ये सब तीन चार चीज़ें ही हैं। तो हम इस पर क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, बस इस पर क्वेश्चन पूछेगा अबाउट द राइट द फर्स्ट एड मैनेजमेंट ऑफ बर्न, फर्स्ट एड मैनेजमेंट ऑफ शॉक, मतलब कि आपको लिखना है कि ये क्या होता है और इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि इसको यही प्रॉब्लम हुई है, और फिर हमें उस समय क्या करना है और क्या नहीं करना है, यानी क्या डूज हैं और क्या डोंट्स हैं। बस इतना ही हमको हर टॉपिक पे पढ़ना है। ये क्वेश्चन आपसे 7 या 8 नंबर में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है फिलहाल। तो इसमें क्या होगा कि ये बेसिकली आपसे पूछेगा कोई एक आपके फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के बारे में, तो इसमें 3 और 4 हैं। हम चलिए बारी बारी से स्टार्ट करते हैं और सबको फिनिश करेंगे, ख़त्म करेंगे, ठीक है। फिर तो पहले तो फर्स्ट एड क्या होता है इसको हम समझते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज़ अ सिंपल मेडिकल ट्रीटमेंट गिवन एज पॉसिबल एज सुन एज पॉसिबल टू द समवन हु इज इंजर्ड और हु सडनली बिकम्स इल, यानी जो कोई अचानक से कोई गंभीर अवस्था बीमारी से पीड़ित हो गया हो अचानक से, या कोई इंजरी हो गई हो, तो उस समय आप उसको जो सबसे पहले जो आप उसको मेडिकल फैसिलिटी ट्रीटमेंट देंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेके फ्रेंड आप नोट्स बना सकते हैं आसानी से अगर आप चाहें तो। तो इसका मेन पर्पज़ क्या होता है, फर्स्ट एड का एम क्या होता है, पहला तो प्रिवेंशन ऑफ लाइफ, जिस रोगी की जिंदगी को बचाना, दूसरा तो प्रिवेंट द वर्स्टिंग ऑफ द इंजरी, इंजरी को और ख़राब होने से पहले उसको ठीक कर लेना या उसको रोक लेना, यानी जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसकी बढ़ने से पहले उसको रोक लेना, और टू प्रमोट रिकवरी, और बहुत जल्दी से पेशेंट को रिकवरी कराना यानी उसको फिर से ठीक करने में उसकी हेल्प करना, ठीक है। तो फर्स्ट नीड हमें क्यों जानना जरूरी है, भाई सब जानते हैं, क्योंकि हम कहाँ जहाँ भी रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, आसपास कुछ भी ऐसी कंडीशन हो सकती है, घटना हो सकती है हमारे परिवार के साथ, हमारे दोस्तों के साथ, हमारे समाज में मोहल्ले वालों के साथ, तो हमें उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि डॉक्टर के पास जाने से पहले हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसको रिकवरी कैसे करा सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का इंपॉर्टेंस आपके क्लिनिकल यानी कि क्लिनिक यानी जाने पर उसके उपचार से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कभी कभी, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल किस पे काम करता है, डॉक्टर ABC, इसका प्रिंसिपल का फॉर्मूला है डॉक्टर ABC, डॉक्टर ABC मतलब DR ABC। तो हमको 5 चीज़ें ध्यान करनी होती है, पहला डेंजर देखना होता है, खतरा किस चीज़ से है उसको, R से देखा जाता है रिस्पॉन्स कैसा है दे रहा है, वो किस स्थिति में है, बोल रहा है नहीं बोल रहा है, उठ रहा है नहीं उठ रहा है, सांस ले रहा है नहीं ले रहा है, ठीक है। दूसरा है एयरवेज, उसकी सांस लेने की स्थिति कैसी है, बी उसकी ब्रीदिंग, सांस चल रही है कि नहीं चल रही है, और सी उसका सर्कुलेशन कैसा है, ब्लड में सर्कुल, उसके नब्स चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, पल्स चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये चीज़ें डॉक्टर ABC का एक मतलब सिंपल सा प्रिंसिपल है, ये सब आपसे नहीं पूछेगा, आपकी जानकारी के लिए है। क्वेश्चन हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज शॉक, राइट, फर्स्ट एड मैनेजमेंट ऑफ शॉक, शॉक क्या होता है इसको डिफाइन करिए, और जो शॉक का प्राथमिक उपचार हम कैसे कर सकते हैं, जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में सुनते जाएं और अपनी नोट्स बना सकते हैं। देखिए शॉक क्या है फ्रेंड, इसमें क्या होता है कि एक ऐसी कंडीशन हमारे बॉडी की है जब हमारा सर्कुलेशन सिस्टम ब्लॉक हो जाए। देखिए हमारी बॉडी में सारे ऑर्गन जितने भी हैं, लीवर है, लंग्स है, किडनी है, ब्रेन है, सबको चाहिए ब्लड। क्यों चाहिए ब्लड, क्योंकि वो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सप्लाई करता है। अगर किसी केसेस में सर्कुलेशन स्टॉप हो जाए और हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को ये न्यूट्रिशन ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए, तो इन दैट केस क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारा वो ऑर्गन काम करना बंद कर देता है, और इसी को बोलते हैं शॉक। इंसान बेहोश होकर गिर जाता है या चक्कर खा के गिर जाता है, ठीक है। इट इज द स्टेज ऑफ सर्कुलेटरी इनएडिक्वेसी एंड डिमिनिश्ड ब्लड सप्लाई, यानी जब सर्कुलेटरी इनएडिक्वेट हो जाए और ब्लड सप्लाई घट जाए टू द वाइटल ऑर्गन्स रिजल्टिंग सप्रेस्ड फंक्शन, जैसे गिरता है तो उसके फंक्शन कम हो जाते हैं, इसी को हम शॉक कहते हैं। तो शॉक के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है, हो सकता है किसी इंसान का बहुत खून बह गया हो एक्सीडेंट में तो उसके सर्कुलेशन सिस्टम डाउन हो गया हो, डिहाइड्रेशन उसके बॉडी से बहुत वाटर लॉस हो गया हो, हार्ट अटैक आ गया हो, या कोई पॉइजन को उसने खा लिया हो, जहर या तो किसी ने खिलाया हो या तो वो खा लिया हो,
मैं मर जाऊंगा, नहीं रहूंगा तुम्हारे बिना, है ना, कंडीशन ऐसी आती है, तो इन दैट केस में ये चीज़ें शॉक हो सकती है। ठीक है, अब आप कैसे पहचाने किसी पेशेंट को साइन एंड सिम्टम से, उसकी एडिंग है कैसे पहचानेंगे उसमें शॉक उसको है कि नहीं है। पहला, एनॉक्सियस एंड थर्स्टी, उसको बहुत प्यास लगेगी और वो थोड़ा सा मूर्छित रहेगा। दूसरा, गिडनेस एंड कन्फ्यूजन, वो उसका ब्रेन काम नहीं करेगा, वो कहाँ है क्या नहीं, मतलब उसको कुछ समझ नहीं आएगा वो प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है, क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, वो कन्फ्यूज रहेगा। उसके चेहरे से आपको लगेगा पेल कोल्ड एंड क्लेमी स्किन, उसकी स्किन जो होती है वो थोड़ी थोड़ी ठंडी हो जाएगी। एक सेकंड में आता हूँ। ये रोज एक खानी है, इसको पानी में घोल के पी लीजिएगा। सॉरी स्टूडेंट्स, कुछ पेशेंट आ गए थे इसलिए मैं चला गया था और आई एम अकेले। अगला है वीक एंड पल्स, उसका जो फास्ट पल्स होगा वो तो बहुत कम हो जाएगा या तो बहुत तेज़ चलेगा। ब्लड प्रेशर उसका घट जाएगा। सैलन रैपिड ब्रीथिंग, उसके सांस या तो बहुत रुक रुक के लेगा या बहुत तेज़ तेज़ लेगा। एक्सेसिव स्वेटिंग, बहुत शरीर से पसीने निकलेंगे और पुअर यूरिन आउटपुट, हो सकता है कि वो पैंट में सुसु भी कर चुका हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उसके साइन एंड सिम्टम है शॉक के। अगर आपने जान लिया शॉक, तो पहले आप ये देखिए कि कितने क्यों होते हैं, शॉक होने के कौन कौन से कारण हैं। तो कई बंदे कारण इससे पहले थोड़ी बताया कि सीवियर ब्लीडिंग हो गई हो, या फिर आदमी बहुत दूर से जल गया हो, या उसको हार्ट फेलियर हो, या हार्ट अटैक आ गया हो, या स्पाइनल इंजरी हो गई हो, एलर्जी रिएक्शन हो गया हो, डिहाइड्रेशन हो गया हो, उसको करंट मार दिया हो, इलेक्ट्रोकंडक्शन हो गया हो, सीरियस इन्फेक्शन हो गया हो, इन सब केसेस में, या बहुत ज़्यादा इमोशनल कंडीशन चला गया है, कोई छोड़ के चला गया है, तो है ना, जाएगी आएगी आएगी मुझको तुम्हारी याद आएगी, इस वाली कंडीशन आ गई हो, बहुत दुखी हो गया हो, गर्लफ्रेंड चली गई हो, तो इस केस में भी उसको शौक हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि शौक कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें बेसिकली चार प्रकार के शौक होते हैं। हाइपोवोलेमिक शौक, इसमें क्या होता है कि जब ब्लड वॉल्यूम हमारा ऑटोमेटिक डाउन हो जाए, तो हाइपो मतलब क्या होता है, कम, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम, जब ब्लड का वॉल्यूम हमारी बॉडी में घट जाए। कार्डियोजेनिक हार्ट, यानी हमारा जो हार्ट काम करना बंद कर दे। न्यूरोजेनिक हार्ट, हमारा ब्रेन काम करना बंद कर दे। और एनाफाइलेक्टिक हार्ट, हमारे बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाए। तो चार प्रकार के शौक हमारे बॉडी में हो सकते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट एड की, इसका उपचार कैसे करेंगे। अगर आपने किसी पेशेंट को देखा जो कि शौक, उसको शौक आ गया है और वो आज परेशान है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि उस विक्टिम को उसके स्टॉक पूरी जैसे है उसी को तरह से लेटाएंगे, बिल्कुल उसी तरह से लेटाएंगे। उसको उठा के कहीं बिठाने की जरूरत नहीं है कि चौकी में ले जाओ, कहीं बेड पर ले जाओ, कुछ जहाँ पर है उसको वहीं पर लेटाइए। सबसे उस पर्सन के उसको थोड़ा सा वार्म अनकम्फर्टेबल फीलिंग दीजिए, थोड़ा सा उसको आसपास हवा नहीं दीजिए और थोड़ा सा उसको हाथ पैर रगड़िए। तीसरी केस क्या करता है कि उसके जो अगर कहीं पे आसपास उसको गिरने पर उसको चोट आई हो, तो उस चोट को बचाते हुए आपको लेटाना है। ठीक है, अगली बात ध्यान देनी है कि उसकी ब्रीदिंग कैसे चल रही है, उसको चेक करना है क्या चल रहा है, सब कुछ पता करेंगे। और अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो उसको इमरजेंसी नंबर पर आप कॉल करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ क्या करेंगे, आप जब उस बंदे को लेटाएंगे तो उसके पैर को थोड़ा सा ऊपर रख देंगे, यानी पैर को थोड़े से उसके गन्ने से 6 से 12 इंच तक करीब हम लोग उसको 1 फीट तक उसको ऊपर उठा देंगे और प्रॉपर ब्रीदिंग देंगे। अगर ब्रीदिंग नहीं हो पा रहा है तो उसको हम मुंह से ब्रीदिंग दे करके उसको थोड़ा सा उस कंडीशन में लाएंगे और फिर तब तक हम डॉक्टर को कॉल कर देंगे। ये था हमारा फर्स्ट, बस इतना ही आपको लिखना है। अब हम दूसरी बात करेंगे, क्वेश्चन है राइट फर्स्ट एड मैनेजमेंट ऑफ स्नेक बाइट, सांप के जहर की बात करेंगे। तो स्नेक बाइट पे भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन शॉक से आया है, बर्न से आया है। तो स्नेक बाइट की बात करें तो स्नेक बाइट के केस में क्या होता है कि हमको थोड़ा सा स्नेक बाइट के बारे में लिखना था। दुनिया में किस्म लिखा पहला क्या है, लेट जैन 10%। हमारी धरती दुनिया में करीब 290 प्रजातियां पाई जाती हैं सांपों की, और जिसमें से सिर्फ 10% सांप ऐसे होते हैं जो कि जहरीले होते हैं, जिसमें पॉइजन होता है। बाकी जो सांप होते हैं वो जहरीले नहीं होते। अगर वो काट भी लेंगे तो किसी इंसान की मौत नहीं होगी। हाँ, इंसान सोच करके घबरा करके मर जाता है, वो अलग बात है, क्योंकि उतनी ज़्यादा मूवी देख लिया, इतना ज़्यादा सीरियल देख लिया कि उसको सांप मतलब सब कुछ। ठीक है, और दूसरा केस में क्या है कि ऐसा कोई भी सांप नहीं जिसका एंटी पॉइजन डॉट या उसका एंटी वीनम हमारे पास मार्केट में अवेलेबल नहीं है, मेडिकल लाइन में अवेलेबल नहीं है। इसलिए किसी भी पेशेंट को अगर सांप काटे तो उसको बिल्कुल रिलैक्स कराना है और खुद भी रिलैक्स रहना है, तभी आप उसका ट्रीटमेंट या फर्स्ट एड कर पाएंगे। ठीक है, तो आप उसको सबसे पहले आपको देखना है कि फर्स्ट एड पर क्या क्या करना है, कि उस बंदे को देखना है कि उसके शरीर पर निशान किस चीज़ का है, कहाँ पर है। ठीक है, जैसे कि क्या प्रॉपर फर्स्ट एड कैन सेव द लाइफ हो ना, स्नेक बाइट से हम उसको बचा सकते हैं। आगे बात करते हैं कौन कौन से सिम्टम्स हैं अगर किसी को स्नेक बाइट हुआ है तो हम कैसे पहचानेंगे किसको सांप नहीं काटा है। हो सकता है चूहा काट लो, हो सकता है छूंदर काट लिया, हो सकता है पिंच भी हो, तो हम कैसे पहचानेंगे कि उसको सांप ने काटा है। तो सबसे पहला है पंक्चर मार्क, उसके शरीर पे चेहरे पे कहीं पे भी पंक्चर का मार्क होगा। पंक्चर मतलब होता है इसके छेद होगा हल्का सा जहाँ पे सांप ने काटा है, जो हमको आसानी से दिखाई दे सकता है। दूसरा, ब्लीडिंग एट अ बाइट साइट, अनयूजुअल पेन अराउंड द बीटिंग एरिया, यानी जहाँ पे उसको सांप ने काटा है वहाँ पे उसको थोड़ा सा पेन होगा और उस एरिया के चारों तरफ थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाएगी, ब्लीडिंग भी होती रहेगी।
इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, पहचानने का तरीका है। तीसरा सिम्टम है कि उसको नोजिया वोमिटिंग यानी उसको थोड़ा सा सरदर्द करेगा, उसको मितली आएगी, उसको उल्टी होने की फीलिंग आएगी, स्टमक पेन होगा, ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। और उसको धीरे धीरे दिखाई देना कम हो जाएगा, डबल और ब्लड विजन हो जाएगा, ड्रॉपिंग आईलिड धीरे धीरे उसकी पलके बंद होने लगेगी, लेकिन आप उसको जगाए रखना है, उसको सोने नहीं देना है, उसको जगाए रखना है। डिफिकल्टी इन टेकिंग, उसको बात करने में बोलने में दिक्कत होगी और टॉकिंग में। ब्लीडिंग इन गम्स, उसके मुंह से खून आना शुरू हो जाएगा थोड़ा थोड़ा सा, उसको धीरे धीरे उसके यूरिन निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये सब करने पे पेशेंट धीरे धीरे मूर्छित होने की तरफ जाएगा, आपको उसे रोकना है। ये पहला फर्स्ट एड है। ये कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं कि अगर आपको आंखें धीरे धीरे झुकने लगेगी, देखिए दूसरे में क्या हो रहा है कि हाथ में थोड़ा सूजन आ जाता है, जहाँ पे भी उसने पैर में काटा, हाथ में काटा, वहाँ पे निशान पड़ जाएगा, थोड़ी दूर काला काला पड़ जाएगा, ये सिम्टम आपको दिख रहा है। अब आपको ये चीज़ ध्यान समझना है कि क्या नहीं करना है। जब हम फर्स्ट एड कर रहे हैं तो हमें क्या चीज़ नहीं करना है। पहली बात तो कैन द वाउंड ओपन एंड ड्रेन ब्लड, आपने सुना है ना कि हम लोग टीवी में देखते हैं कि किसी हीरो को सांप ने काटा तो हीरोइन आती है, उसके जगह पे काटा रहता है, उसको मुंह से थूक काटती है दांत से, फिर खून चूस चूस के थूक के फेंकती है। ये सब बेवकूफ़ी टीवी में रहने दो, अपनी ज़िंदगी में मत अपना ना, वरना जहर तुम्हारे अंदर चला जाएगा तो तुम वहाँ टेव हो जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहला है कि आपको कट द वाउंड ओपन एंड ड्रेन ब्लड, ठीक है ना। क्या नहीं करना, आपको ना खून को काटना है ना ब्लड को निकालना है। दूसरा, ठीक है, अटेम्प्ट टू स्टॉक नम आउट ऑफ द फ्रॉम बीटिंग एरिया, ठीक है। और आपको थूक उसको खींच करके थूकने की जरूरत नहीं, जो आप टीवी में देखते हैं, ये काम आपको नहीं करना है। घ्यू, अल्कोहल, कॉफ़ी, टीसी, उस पेशेंट को ना तो चाय देना है, ना दारू देना है, और ना कुछ भी देना। नहीं, आसपास गांव में मिल जाते ना, अरे एकाई पियाओ, अरे एकाऊ पियाओ, गांव में बहुत लोग मिल जाते हैं, अरे ऐसे ही लगाए दे, ऐसे लगाए दे, कुछ भी नहीं करना है, उनकी बात नहीं सुननी है, ठीक है। आपको आपको चलना फिरना नहीं है, दौड़ना नहीं, अगर आप पेशेंट हैं तो आपको थोड़ा सा उसमें लेट जाना है, बैठ जाना है, और कुछ लोकल चीज़ें जो होती ना, अचार, मसाला, नमक, मिर्चा, कुछ भी, ढेला पत्थर, लोग गांव वाले कहते हैं ये लगा वो लगा, कुछ भी आपको लगाना नहीं है, सीधा आपको हॉस्पिटल की ओर जाना है, ठीक है। डू क्या करना है, सबसे पहले आप उस प्रेशर बैंडेज लगाएंगे, जिस जगह पे काटा है आपको प्रेशर बैंडेज उसको कस के बांधना है, चाहे वो उंगली हो, हाथ हो, पैर हो, कहीं पे भी बांधना है। अगर आपके पास प्रेशर बैंडेज नहीं है, आप किसी भी क्लीन कपड़े का या साफ कपड़े का यूज़ करके आप उसको ड्रेनेज बैंडेज से पास देते हैं, ठीक है। अब ठीक है, बात करते हैं कि ये हो गया हमारा, ये सिंपल सा फर्स्ट एड हो गया, उसको उसको ले जाएंगे हॉस्पिटल। तो हमारा तीसरा केस है फर्स्ट एड का, बर्न, कि जलन क्या होता है, जलते ही आदमी कैसा है। आप देखते हैं अक्सर आदमी किसी न किसी तरीके से करंट से या फिर किसी भी चीज़ से, इलेक्ट्रिक शॉक से या कहीं पर कुछ चल रहा है तो उसका एक्सपोजर से जल जाता है, उसकी स्किन जल जाती है, तो ये जलने की बात करेंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड, इस जलने वाले टॉपिक पर कुछ फोटोज़ मैंने रियल पिक्चर्स लगाई हैं, क्योंकि जो बर्न होती है वो 3 डिग्री होती है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, आप ताकि समझ सके कि तीनों डिग्री की बर्न क्या होती है। तो जो कमज़ोर दिल वाले लोग हैं शायद वो इस चीज़ को नहीं देख पाएंगे, तो आप उसको स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा, खासकर लड़कियाँ अगर नहीं देख पाती हैं तो, ठीक है। तो बर्न की बात करें तो बर्न की डिफिनेशन क्या है, कि बर्न कैन रिजल्ट फ्रॉम एक्सपोजर टू द सन, हॉट लिक्विड ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रिकली और केमिकली, किसी भी इलेक्ट्रिकल, केमिकल, हॉट प्रोजेक्ट या सन या किसी भी चीज़ के एक्सपोजर में आने पर जो हमारी स्किन जल जाती है, इसी को हम लोग बर्न कहते हैं। बर्न को क्लासिफाई कर सकते हैं फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी की कैटेगरी पर, ठीक है। तो ये देखिए हम लोग क्या जो ये क्लासिफिकेशन है इसको दिखा रहे हैं कि देखिए कितना, पहले हाथ में हल्का सा लालपन पड़ गया, दूसरे वाले हाथ पे फफोले पड़ गए, और तीसरे वाले केस पे एकदम जल गया, नीचे का पूरा पोर्शन दिखने लग गया है, ये थर्ड डिग्री पे है। तो डिग्री समझते हैं, देखिए फर्स्ट डिग्री जो बर्न होता है उसमें क्या होता है कि आउटर लेयर ऑफ स्किन पे केवल होता है, यहाँ पे लाल पड़ जाता है आपका स्किन, जैसे आप कभी खाना बना रहे हैं गलती से चिमटा छू गया या तावा छू गया हल्का सा, तो उस केस में क्या होगा आपके सर स्किन का जो अपर लेयर है वो लाल हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट डिग्री का बर्न है। इसमें क्या करना है, इसको धूप में भी अक्सर लोगों को हो जाता है, इसमें कुछ खास नहीं करना, बस आपको सिंपल सा उसका ट्रीटमेंट करना है, उसको लोशन लगा के छोड़ देना है। सेकंड डिग्री बर्न में क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा लेयर के जो अपर लेयर स्किन की होती है वो डैमेज हो जाती है। कैसे डैमेज होती है, उसमें फफोले पड़ जाते हैं, फुटके पड़ जाते हैं, पानी भर जाता है, और इसमें जो होते हैं देखो स्वेलन, पफी और बीपी ब्लस्टर हो जाता है। इस केस में भी आपको डॉक्टर के पास ले जाने की कोई जरूरत खास नहीं है, आप हल्की फुल्की ड्रेसिंग करा के खुद से या फिर करके करा के इसको आप इसमें पेशेंट को एडमिट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब तीसरा जो फिगर दिखाया जा रहा है वो खतरनाक है, फिर देखेगा, दिस इज़ द थर्ड डिग्री बर्न। जब कोई लड़की या कोई औरत आग लगा लेती है या कोई आदमी आग लगा लेता है या कहीं बहुत बुरी तरह से किसी फैक्ट्री में जल जाता है, उसके अपर लेयर पूरी तरह से डैमेज होते हैं, उसकी स्किन की पूरी लेयर चली जाती है, उसको ब्लैक हो जाता है, फकोले पड़ जाते हैं, इस केस को हम लोग बोलते हैं थर्ड डिग्री बर्न, ठीक है। तो थर्ड डिग्री बर्न में क्या होता है कि फर्स्ट और सेकंड डिग्री बर्न में क्या, अच्छा आप क्या बात करते हैं फर्स्ट एड की कैसे करना है। अगर फर्स्ट और सेकंड डिग्री बर्न है तो उस केस में क्या करना है, उस बर्न वाले एरिया को आपको ठंडे पानी से धुलना है, लेकिन ध्यान दीजिएगा बर्फ़ का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ ठंडे पानी का उससे धुलना है। धुलने के बाद थोड़ा सा उसको साफ़ करना है, साफ़ करने के बाद वहाँ पे हम क्या करते हैं टेम्परेचर कम करने के बाद कुछ चीज़ें को क्रीम या लोशन को लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस एरिया पे हम लोग हाथ का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वो एरिया इन्फेक्टेड होता है, हम उस पर बेसिकली ग्लव्स का यूज़ करके या किसी पेपर का यूज़ करके हम वहाँ पे चीज़ों को एंटीबायोटिक को लगा सकते हैं, ठीक है। और उस एरिया को हम 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे, हमें कुछ भी उसको कवर करने की, उस पर कुछ पट्टी वट्टी बांधने की जरूरत नहीं है, वैसे ही लोशन क्रीम लगा के हम छोड़ देंगे। लेकिन अगर बर्न हमारा थर्ड डिग्री का है,
इसमें हमको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए होता है, हमको तुरंत मेडिकल हेल्प के लिए कॉल करना है और उसको बुलाना है। हमें कुछ भी इसमें अपना एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, बस मेडिकल वाले को बुलाना है। ये था हमारा बर्न का मैनेजमेंट, ठीक है। और मेक श्योर द सोर्स से बर्न, अब ये चीज़ देखना है कि जो जिस चीज़ से वो जल रहा है वो जलना बंद हो गया है, वो कंटिन्यू जली रहा है, उसको बंद करो सबसे पहले, ठीक है। बर्न वाले एरिया को उसको कूल करिए आप ठंडा पानी डाल करके, थोड़ा सा उसको जाने से पहले उसके ड्रेसिंग वेसिंग थोड़ा सा एरिया कवर करिए, और उसके हाथ पैर में जो कपड़े लगे उसको निकालने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। यही सब चीज़ें आपको करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा ये तीन टॉपिक हो गया। चौथा टॉपिक हमारा है व्हाट इज़ द पॉइजनिंग, ठीक है। पॉइजनिंग आप जानते हैं, जहर खुरानी इसको हिंदी में कहते हैं, और इसका फर्स्ट एड क्या है कि अगर कोई पेशेंट आपके आसपास का जहर खा ले, या फिर दुखी हो, या उसकी कोई छोड़ के चली गई हो, है ना, या फिर कुछ भी रीज़न हो सकता है, अब रिजल्ट ख़राब आ गया हो या बहुत दुखी हो, तो इस केस में क्या हो सकता है कि अगर वो पॉइजन खा लिया हो या इंटेंशनली खाया हो या उसको कोई खिला दिया हो, तो उसका ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे, हम इसकी बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट एड उनकी बात करेंगे, तो डू नॉट ट्राई टू मिक्स, पहले उस विक्टिम को, पेशेंट को उल्टी कराने से उनको हम जबरदस्ती उल्टी नहीं कराएंगे, मुंह डाल के उंगली उंगली चल उल्टी कर चल उल्टी कर, नहीं, दिस इज़ रॉन्ग। ये टीबी में होता है, आप टीबी नहीं है, आप इंसान है, रियल इंसान है, ठीक है, आपको ये सब नहीं करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको कंटामिनेटेड क्लॉथिंग जो भी उसके पास आसपास वो अवॉइड करना है, हटाना है, कुछ भी गंदे कपड़े आपको नहीं देना है, उसकी स्किन को वापस प्रॉपरली वॉश कराना है, ठीक है। क्या करना है, फर्स्ट एड में अगर उसके आँखों में कोई दिक्कत है तो उसको आँखों ठंडे पानी से धुलेंगे, अगर उसके हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको सोप या डिसइंफेक्टेंट से वॉश करेंगे, धुलेंगे, ठीक है। अब हम कैसे एक्सीडेंटल पॉइजनिंग को कैसे हटा सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि मेडिकेशन यूज़ करते हैं, ग्लासेस है, गैसेस है, ठीक है, ये एक्सपोजर है, कैसे कोई एक्सीडेंटल कोई बंदा पॉइजनिंग एक्सपोज कर लेता है, निगल लेता है, खा लेता है, तो इस केस में ये पूरी चीज़ें हैं, इसको लिखने की जरूरत आपको है नहीं, ठीक है, कैसे कैसे यूज़ करते हैं, बाकी आप जानते हैं उस पेशेंट को हमको हटाना है। अब क्या करना है, यहाँ से बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि यूज़ कंटेनर विथ चाइल्ड रेजिस्टेंट कैप्स, ठीक है, हम कुछ चाइल्ड रेजिस्टेंस, अगर मान लीजिए घर में कोई आपका ऐसा सामान है जो एसिडिक है, तो उसमें हम ऐसा CRC कैप लगाएंगे, उसको रखेंगे ताकि बच्चे उसको ना पहुंच सके, बच्चे उसको ना खोल सके, ठीक है, केमिकल को बच्चों से हम दूर रखेंगे। ये सब तरीके हैं कि कैसे हम बच्चों को जलने से बचा सकते हैं, ठीक है। अब ये घर में कौन कौन से पॉइजनिंग एजेंट होते हैं, मार्केट में जाओगे तो डिटर्जेंट है, डिश वाटर है, टेबलेट्स है, ब्लीच है, ड्रेन है, ये सब, बाथरूम में जाओ तो ब्लीचिंग है, शोवर क्लीनर है, टॉयलेट क्लीनर है, ये सब चीज़ बच्चों के लिए पॉइजनस होती है। अगर आप बेडरूम में देखें तो मेडिसिन है, परफ्यूम है, अगर नेल पॉलिश है, ये सब अगर बच्चे खा लेते हैं तो उनको नुकसान करेगा, ठीक है। गार्डन में ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे हार्ट अटैक क्या होता है, इसकी हम लोग मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो हार्ट अटैक आप जानते हैं, किसी पेशेंट के हार्ट पे काम करना बंद करते, सडन चेस्ट पेन होता है, तो वो बंदा गिर जाता है, ये हमारा हार्ट अटैक की बात होती है, ठीक है। हार्ट अटैक को कैसे ठीक कर सकते हैं, तो हार्ट मसल इज विन टू वोन ब्लड सप्लाई, जब नहीं कर पाता है तो हार्ट अटैक है। हार्ट इज सप्लाई विथ ब्लड बाय अ नेटवर्क ऑफ कोरोनरी आर्टरीज, क्या होता है, ठीक है, आर्टरीज के द्वारा करता है, और आर्टरीज क्या होती है, ब्लॉक हो जाती हैं, यानी कि जिस आर्टरी के द्वारा ब्लड की सप्लाई होती है हार्ट में, वही ब्लॉक हो जाती है, तो वही हमारा हार्ट अटैक आता है, ठीक है। हार्ट अटैक डेफिनेशन क्या है, व्हेन द कोरोनरी आर्टरीज बिकम ब्लॉक्ड, यानी कोरोनरी आर्टरी जिससे हार्ट में ब्लड की सप्लाई होती है पूरे बॉडी में, अगर वो ब्लॉक्ड हो जाए तो उसे बोलते हैं हार्ट अटैक, और हमारे हार्ट को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाता है, ठीक है, जिससे हमारे मायोकार्डियल मसल मरने लगते हैं और ये हार्ट अटैक कंडीशन पैदा होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम, हम कैसे पहचानेंगे अगर किसी पेशेंट के आपके आसपास किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आ रहा है, तो आप कैसे पहचानेंगे, और उस पेशेंट को 6 घंटे के अंदर अंदर अगर आप हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं तो वो बच जाएगा, अगर वो नहीं पहुंचाएंगे तो मर जाएगा। मैं आपको जनरल बातें बता दूं, तो सबसे पहले उसके चेस्ट में धीरे धीरे पेन उठेगा, आपको लगेगा यार गैस की प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है, आप डाइजिन खिला देंगे, कुछ भी खिला देंगे, तो वो चीज़ें और एडवर्स हो जाएंगी। अब यह करना है कि उसके चेस्ट में पेन हो रहा है, वो धीरे धीरे पेन बढ़ता जाएगा, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, और कुछ मेडिसिन होते हैं, अगर आइसोसॉर्बाइड ये सब मिल जाए तो आप उसको खिला सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, चेस्ट पेन स्टार्ट होगा धीरे धीरे, और चेस्ट पेन धीरे धीरे उसके हाथों में, जबड़ों में, पूरे शरीर में धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे सांस लेने में उसको दिक्कत होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, ये साइन सिम्टम है, ठीक है। कैजुअली बिकम पेनफुली, उसके उसका जो शरीर है पीला पड़ने लगेगा, ठीक है, वो थोड़ा सा एनजाइटी में जाएगा, धीरे धीरे आंखें बंद करेगा, उसके पल्स डाउन होने लगेगी, और वो नौजिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम उसको शुरू हो जाएगी। ये चीज़ें आपको देख के नोटिस करना है कि इसको हार्ट अटैक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गैस की प्रॉब्लम अलग हो, पसीना होगा, ठीक है। और देखिए सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, आप इस हिसाब से सिम्टम इसको देख के लिख सकते हैं। अब हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, तुरंत पहला काम। दूसरा, इनकरेज द उस हम पर्सन को इनकरेज करेंगे कि वो थोड़ा सा कुछ चबाए, उसको हम एस्पिरिन दे देंगे। एस्पिरिन एक एंटी एलर्जिक ड्रग है, लेकिन एस्पिरिन अगर हम 300 मिलीग्राम से ऊपर खाते हैं तो क्या करता है वो, हमारा एस्पिरिन बेसिकली ब्लड थिनर काम करता है, ब्लड को पतला करता है, जिससे हमारा ब्लड की सप्लाई तेज़ हो जाती है। उसको हम टैबलेट देंगे या एस्पिरिन देंगे, या तो उसको हमारे सर्वाइड देंगे। फिर क्या करेंगे, उस पेशेंट को हम आराम से पोजीशन पे लेटा देंगे, उसको बिना डिस्टर्ब किए धीरे धीरे उसको हम उसके हाथ पैर को मसलेंगे, ठीक है। और कैजुअलिटी के लिए उसको हम वेट करेंगे एम्बुलेंस का, ठीक है। एस्पिरिन की दवा क्या होती है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, इसको क्या होता है
ठीक है। अब ये फ्रेंड लास्ट है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या होता है कि जिसमें ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है या फिर लास्ट टॉपिक है पूरे चैप्टर का। फ्रैक्चर मतलब होता है जिसके आप जानते हैं ना कि हड्डी का टूटना, अगर आप कहीं पे जा रहे हैं अचानक से आप कहीं गिर गए या आपकी हड्डी डिसलोकेट हो गई या टूट गई, तो फ्रैक्चर मतलब होता है हड्डी का दो हड्डियों के बीच से टूट के अलग हो जाना, जुड़ के अलग हो जाना, ये फ्रैक्चर होता है। इसको हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे इलाज करेंगे, फर्स्ट एड क्या करेंगे, इसकी बात करते हैं। तो कुछ अलग अलग वर्ड है ठीक है। जैसे कि हमारे अगर हम बात करें तो डिसलोकेशन का मतलब होता है जब जॉइंट पे कोई दो हड्डियां हैं और अपने स्थान से वो खिसक जाए तो डिसलोकेशन होता है। स्ट्रेन का मतलब होता है कि वहाँ पे जो लिगामेंट्स होते हैं मसल में मोच आना होता है, स्ट्रेन कहते हैं ठीक है। स्ट्रेन होता है और स्प्रेन भी होता है, स्ट्रेन ठीक है। ये सब चीज़ें हम बात करते हैं। तो फ्रैक्चर क्या होता है, देखो फिर से फ्रेंड्स, फ्रैक्चर बेसिकली दो कैटेगरी होते हैं। एक होता है क्लोज्ड सैंपल फ्रैक्चर और दूसरा होता है ओपन कंपाउंड फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है कि इसमें जो इस जिस जहाँ पे फ्रैक्चर होता है वहाँ पे स्किन नहीं टूटती है, स्किन के अंदर की जो हड्डी होती है उसमें थोड़ा सा घुमाव आ जाता है या मुड़ाव आ जाता है या टूट जाती है, तो इसको क्लोज्ड फ्रैक्चर बोलते हैं। लेकिन जब इस फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा हो जाए और स्किन फट जाए और हड्डी बाहर निकल जाए ठीक है, वो कंडीशन भी फिगर में आपको फोटो दिखाऊंगा आगे, तो उस केस को हम लोग ओपन फ्रैक्चर बोलते हैं और ये सबसे खतरनाक स्थिति होती है, उसमें तो देखने लायक भी स्थिति नहीं होती है ठीक है। तो सिंपल फ्रैक्चर में क्या हो रहा है, हल्का हड्डी में क्रैक आ गया। कम्युनिटी फ्रैक्चर में क्या होता है, हड्डी टूट के अलग हो गई, और ओपन फ्रैक्चर में हड्डी टूटी और हड्डी स्किन से बाहर निकल गई, ये हमारा ओपन फ्रैक्चर होता है ठीक है। तो फ्रैक्चर के केस में क्या करना है हमको, उसमें जनरल साइन और सिम्टम्स देखना है कि पहले बात की टेंडर्स टू टच को, उसको टेंडर्स को हम टच करके देखेंगे वहाँ पर स्वेलिंग है क्या है ठीक है, डेंट्रोमर्स देखेंगे। ओपन ब्राउन फ्रैक्चर को हम स्किन चेक करेंगे, स्किन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर उसको हम तुरंत एम्बुलेंस कॉल करके हम बुलाएंगे डॉक्टर्स को ठीक है। मैनेजमेंट के लिए क्या करना है हमको, सबसे पहले उसकी ब्रीदिंग चेक करनी है, पेशेंट ब्रीथ करना है कि नहीं, उसको हम सांत्वना देंगे उसको अगर ओपन फ्रैक्चर है तो पेशेंट को उसकी हड्डी को टूटी हुई हड्डी को देखने नहीं देंगे, उसको हम रिलैक्स कराएंगे, कॉम द पेशेंट को उससे ठीक है। उसकी अदर इंजरी को चेक करेंगे कहीं और कुछ तो नहीं दिक्कत है, उसको हम ब्रोकन बोन को हम थोड़ा सा इमोबिलाइज करेंगे, हम वहाँ पे आइस अप्लाई करेंगे ताकि उसको पेन थोड़ा सा वो कम हो जाए, और तब तक डॉक्टर को बुलाएंगे। और इस तरह से हम कपड़े को लपेट करके उसके जिस हाथ पे फ्रैक्चर है या डिसलोकेशन है उसको सपोर्ट देंगे ताकि वो हीले डूले ना, वो रुका अपने स्थान पर रुका रहे ठीक है। हमें क्या नहीं करना है, हमको बिल्कुल भी मसाज नहीं करना है कि जहाँ पे हड्डी टूटी लगे तो रगड़ लेके मसाज नहीं करना है, हड्डी पे जोर नहीं लगाना है जो भी टूटी है ठीक है। मूव विदाउट, अब तुमको बिना उसके सपोर्ट को उसको चलाना नहीं है कि चलो तुम आओ खड़े हो चलो मेरे साथ चलो चलो कुछ नहीं हुआ चलो चलो कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं करना, उसको बिना सपोर्ट के उठने नहीं देना है ठीक है। जॉइंट से बिल्कुल भी जोर नहीं देना है, उसको कोई भी ओरल लिक्विड फूड नहीं देना है उस समय ठीक है। प्रिवेंशन कर सकते हैं हम लोग, वाटर प्रोटेक्टिव पैंट्स लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं, चिल्ड्रन को उसकी हम प्रैक्टिस करा सकते हैं कि कैसे कैसी पेशेंट को हम ठीक कर सकते हैं ठीक है फ्रेंड। ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 जो था पूरी तरह से फर्स्ट एड के बारे में, और इस फर्स्ट एड से मैंने आपको 6 फर्स्ट एड पढ़ाए, उसमें से एक या दो किस्सा में आना ही आना है। मैक्सिमम केस में देखा जाए तो शॉक बर्न ये दो चीज़ें और कई बार पूछी गई और हार्ट अटैक के बारे में पूछा गया, बाकी आप पूरा पढ़िए क्योंकि मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया आपको। अगर एक बार इसको आप प्रैक्टिकली समझ लेंगे तो लिखना आपके लिए बहुत आसान है, हिंदी वाले भी आसानी से लिख सकते हैं और अंग्रेजी वाले तो लिख ही सकते हैं, कुछ इसमें है नहीं ठीक है फ्रेंड। जनता कर्फ्यू का पालन करिए, अपने घर में रहिए, कोरोना के संक्रमण से बचाइए खुद को और दूसरों को बचाइए, सेफ रहिए। मैं जानता हूँ कॉलेजेस बंद चल रहे हैं, आप सिर्फ पढ़िए और नोट्स बनाइए, मैं आपके लिए लेक्चर्स ला रहा हूँ अपनी नौकरी के बाद भी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।